हेलो एवरीवन, आई पुजेटोरिया वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय क्लास। नाउ वी डिस्कस आवर न्यू टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन। आज हमारा नया टॉपिक है कि कितने टाइप का हमारा इंटरनेट कनेक्शन होता है। ओके, ये आपका इंटरनेट का पार्ट है। आप लोगों ने सुना होगा कि वाईफाई है, ब्रॉडबैंड है, आप लोगों ने मल्टीमीडिया जो मल्टी लेवल कंपनीज होती हैं, ठीक है, वहां पर आपने सुना होगा कि हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, फिर कमर्शियल भी यूज कर सकते हैं हम, ऑफिस में भी कर सकते हैं, बिजनेस में भी कर सकते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस में भी यूज करते हैं। तो आपके कनेक्शन देखिए बेसिकली टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका डायल अप कनेक्शन एंड सेकेंड वन इज लीज लाइन कनेक्शन। आज मैं दोनों में डिफरेंसेस बताती हूँ कि किस दोनों में हमारे क्या डिफरेंस है। पहले बात करते हैं हम डायल अप कनेक्शन की। डायल अप कनेक्शन को हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी बोलते हैं। आपने सुना होगा ब्रॉडबैंड कनेक्शन है हमारे यहाँ पर, तो इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रॉडबैंड कनेक्शन। अब देखिए इस कनेक्शन में क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ कनेक्शन कॉमनली यूज टेलीफोन लाइन्स। इसमें क्या होती है, आप लोगों की टेलीफोन लाइन को हम यूज करते हैं। यूजर कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ यूजर आईडी प्रोवाइडेड बाय एन ISP दैट मीन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसमें क्या होता है कि यूजर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए जो आपकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज होती हैं, वो आपको एक पासवर्ड मीन्स यूजर आईडी प्रोवाइड कराती है। कि आपकी यूजर आईडी है, आप उसका पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं और वही भी रख सकते हैं। इट इज एस्टेब्लिश्ड वंस द कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड इंटरनेट एक्सेस इज अवेलेबल टू द यूजर। और एक बार जब आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाता है, आपकी यूजर आईडी जनरेट हो जाती है, पासवर्ड जनरेट हो जाता है, तो आप उसके बाद इंटरनेट एक्सेस करने के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, आप उस कनेक्शन को यूज कर सकते हैं। बेसिकली अब देखिए बात करें, ये जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है इसमें हम टेलीफोन लाइन का यूज करते हैं। ठीक, टेलीफोन लाइन्स आपने देखा होगा, फ्लैट्स में रहते हो, बिल्डिंग्स में रहते हो, तो ये खाली आपके घर के लिए ही नहीं बनाया जाता। ये क्या होता है, सपोज बहुत सारी आपकी केबल्स आ रखी होती हैं, आपके अपने घरों में देखा होगा या कहीं आपने कॉलेज में देखा होगा, स्कूल में लग देखा होगा कि आपके एक बॉक्स सा लगा होता है और उस बॉक्स से काफी सारे छोटे छोटे वायर्स और एक बड़ी मोटी सी केबल आपको दिखाई होती है। तो जो केबल होती है ये एक टावर से आती है जहां पर उनका कनेक्शन होता है, जहां से उनको सारी आपको एक्सेस करने के लिए फैसिलिटी दी जाती है। तो ये जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है, ठीक है, ये सभी के लिए इसके साथ काफी सारे लोग जुड़े होते हैं। देखिए जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है, आप एक कनेक्शन से, डायल अप कनेक्शन का मीन्स ये है ब्रॉडबैंड का कि आप एक ही कनेक्शन से बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं। इसी वजह से जो इसकी स्पीड होती है वो क्या होती रहती है, आपकी अप डाउन होती रहती है। ठीक है, जो इसकी स्पीड होती है कभी अप हो गई, आपकी स्पीड हाई हो गई है, कभी बात करें कभी इसकी स्पीड क्या हो गई है, स्लो हो गई है। चलिए बात करती हूँ पहले लीज लाइन कनेक्शन की, फिर दोनों के साथ हम डिफरेंसेस देखते हैं। देखिए बात करें अब लीज लाइन कनेक्शन, आपने सुना भी होगा कि लीज लाइन कनेक्शन है क्या, और जब हमारे पास डायल अप कनेक्शन है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, तो हमें लीज लाइन कनेक्शन की क्या रिक्वायरमेंट है। तो देखिए जो लीज लाइन कनेक्शन होता है ये स्पेशल काइंड ऑफ टेलीफोन लाइन होती है। दीज आर द स्पेशल काइंड ऑफ टेलीफोन लाइन्स विच आर अवेलेबल टू द यूजर ऑल द टाइम। जो यूजर को हर वक्त ऑल द टाइम क्या होगी, अवेलेबल होगी, ये एक स्पेशल काइंड की होती है। स्पेशल काइंड मीन्स इसमें सिर्फ आपको पर्टिकुलर, सिर्फ आपको ही इंटरनेट एक्सेस मिलेगा, इसके साथ कोई और कनेक्टेड नहीं होगा। अगर बात करें डायल अप में, तो डायल अप में क्या होता है, और लोग भी साथ में कनेक्टेड होते हैं। सपोज हम बात करें कॉलेजेस की, ठीक है, आसपास 5-6 किलोमीटर के बीच पर हमारे 6-7 कॉलेज है। क्लियर, आपको अपने कॉलेज में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाना है, तो हमने एक ही किसी भी, सपोज वाईलिंक है, एयरटेल है या आइडिया है, जो भी नियर अबाउट आपको, जिससे भी आपको सर्विसेज लेनी है, तो वो क्या करेगा, एक ही कनेक्शन से 6-7 कॉलेजेस को क्या कर देगा, कनेक्ट कर देगा। जैसे आपने सुना भी होगा कि सर्वर डाउन हो गया है, स्पीड स्लो हो गई है, तो किस वजह से होता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि आपके साथ काफी सारे कॉलेजेस उसमें जुड़े हुए हैं या काफी सारे कॉर्पोरेट ऑफिस में जुड़े हुए हैं। तो जब एक साथ जब हम यूज करेंगे तो आपकी स्पीड जो है वो अप एंड डाउन होती है। लेकिन बात करें जब लीज लाइन की, लीज लाइन में ऐसा नहीं होता। लीज लाइन में सिर्फ आपको ही अवेलेबल, सपोज एक कॉलेज है उसको लीज लाइन कनेक्शन चाहिए, दैट मीन्स सिर्फ पर्टिकुलर एक ही कॉलेज को वो कनेक्शन मिलेगा। इसीलिए कहा गया है
दैट इज द स्पेशल काइंड ऑफ कनेक्शन ऑफ द टेलीफोन लाइन. यूजर डज नॉट रिक्वायर टू वेट फॉर द कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट टू द एक्सेस इंटरनेट. इसमें यूजर को वेट नहीं करना होता किस चीज का, कि वो कनेक्शन एस्टेब्लिश का वेट करे इंटरनेट के लिए. मीन्स जैसे ही उसको लीज लाइन कनेक्शन मिल गया है तो उसका इंटरनेट एक्सेस होना शुरू हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो स्पेशल किसके लिए मिला है, सिर्फ एक पर्टिकुलर यूजर के लिए मिला है. पर्टिकुलर एक ही यूजर मीन एक ही जगह ही वो क्या हो रहा है, यूज हो रहा है. ही कैन डायरेक्टली एक्सेस इंटरनेट एज इट इज अवेलेबल टू हिम ऑल द टाइम. उसके पास ये अवेलेबल होगा हर समय, मीन्स 24 आवर्स. यूजर कंप्यूटर इज परमानेंटली कनेक्टेड टू द ISP. जो उसका कंप्यूटर जो होता है, जो सिस्टम होता है, वो परमानेंटली किससे कनेक्टेड होता है, आपके ISP, दैट मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंप्यूटर. एंड ही कैन अवेल सर्विसेज टू इंटरनेट टू ऑल 24 आवर्स. जिस वजह से वो 24 घंटे उससे क्या होता है, कनेक्टेड होता है. बात करें इसमें डिफरेंसेस की, तो देखिए इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं. आपने सुना होगा कि 2 Mbps की स्पीड आ रही है, 4 Mbps की स्पीड आ रही है, ठीक है. अगर बात करें डायलअप कनेक्शन में तो आपकी स्पीड स्लो डाउन होती रहती है, लेकिन इन केस ऑफ लीज लाइन कनेक्शन देयर इज नो स्पीड स्लो डाउन इन द केस ऑफ लीज लाइन कनेक्शन. मीन्स इसमें आपकी स्पीड अप डाउन होगी, लेकिन इसमें ऐसा कोई चांसेस नहीं होता, क्योंकि वो स्पेशल किसके लिए कहा गया है, सिर्फ एक ही यूजर मीन्स एक ही जगह के लिए, ठीक है. उसके साथ कोई और कनेक्टेड नहीं है. अगर आपने अपने ही कॉलेज में यूज किया है तो सिर्फ आपके कॉलेज में ही वो लाइन आएगी, ठीक है. जो बीच के जो कॉलेजेस हैं उसमें वो कनेक्शन नहीं होगा. बात करें ब्रॉडबैंड कनेक्शन की, तो यस, ब्रॉडबैंड में एक कनेक्शन के साथ काफी सारे कनेक्शन क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, जिस वजह से इनकी स्पीड क्या होती है, अप एंड डाउन होती है. बात करें स्टोरेज की, कितना डेटा मिलता है. इसमें आपको बोला भी होगा कि देखो 10 GB डेटा मिलेगा या 100 GB मिलेगा. अगर आपने पोस्ट पेड करा रखा है तो अनलिमिटेड डेटा मिलेगा, ठीक है. सेम भी इसमें है, इसमें भी आपको लिमिटेड जितना आपको बोला है कि आपको 20 GB मिलेगा, 10 GB मिलेगा, या फिर आपकी 5 Mbps की स्पीड रहेगी या 10 Mbps की स्पीड रहेगी, तो वो आपकी फिक्स रहेगी. चाहे आप कितना भी ज्यादा यूज करें या कम यूज करें, आपकी स्पीड क्या रहेगी, सेम. लेकिन डायलअप कनेक्शन में स्पीड कभी सेम नहीं होती. अगर आपको सर्विस प्रोवाइडर ने बोला है कि आपको 10 Mbps की स्पीड मिलेगी, तो उस केस में ऐसा नहीं होता. हमेशा वो 1 Mbps या 2 Mbps की स्पीड में ही आपका इंटरनेट वर्क करता है, ठीक. बात करें इसमें ये भी हो सकता है, एक टाइम पे आने के बाद सपोज आपको 50 GB डेटा मिला, ठीक है. प्लान में होता है कि जब आप 50 GB डेटा यूज कर लोगे तो आपका जो स्पीड है एकदम से स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है. और या फिर रिचार्ज आपको बिल्कुल बंद कर देते हैं. लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है लीज लाइन कनेक्शन में, क्योंकि आपको ये फिक्स कर दिया जाता है और एक करने के बाद आपको दोबारा से वो शुरू कर देता है, जब तक आप उसको मना ना करें, ठीक. उसको ना बोलें कि हमें इतना नहीं चाहिए. अब जो लीज लाइन कनेक्शन है, ठीक है, जो लीज लाइन कनेक्शन होते हैं, देखिए मैंने टेलीफोन लाइन की बात की है. आपको पता होगा अगर टेलीफोन लाइन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो टेलीफोन लाइन के साथ साथ टेलीफोन लाइन हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आपके सिस्टम में एक मॉडेम होता है, मॉडेम से हमें कनेक्ट करना होता है, एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, जो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. ये टेलीफोन लाइन सिग्नल से क्या होगा, जो टेलीफोन होते हैं आपके कौन से सिग्नल यूज करते हैं, एनालॉग सिग्नल, ठीक. और जो कंप्यूटर में आपके सिग्नल्स होते हैं वो होते हैं डिजिटल सिग्नल. तो मॉडेम क्या करता है, आपके एनालॉग सिग्नल को, जो आपके सिग्नल्स आएंगे उनको कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नल में चेंज कर देता है, और सेम वे रिवर्ट बैक जाता है डिजिटल टू एनालॉग. इस तरीके से आपका क्या करता है, ये वर्क करता है. और जो लीज लाइन कनेक्शन होते हैं इसमें एक काम और हो सकता है. सपोज मेरे पास दो कंपनी है, एक एयरटेल है, एक आइडिया है, ठीक है. इसमें ये दो कंपनीज भी आपस में मिलकर इनको क्या दे सकते हैं, लीज लाइन कनेक्शन दे सकते हैं. तो इसीलिए लीज लाइन कनेक्शन क्या होता है, बेटर होता है. लेकिन बात करें इसकी कॉस्ट की, तो इट इज मोस्ट एक्सपेंसिव देन डायलअप कनेक्शन. इसकी स्पीड तो फास्ट है ही, क्योंकि अगर देखो एक्सपेंसिव है तो स्पीड भी क्या होगी, इसकी फास्ट होगी एज कंपैरिजन टू डायलअप कनेक्शन. तो जो इसकी स्पीड है वो फास्ट होती है,
और ये क्या है आपका डायलअप कनेक्शन एक्सपेंसिव है। और आपको समझ में ही आ गया होगा कि फास्ट और एक्सपेंसिव क्यों है, क्योंकि ये एक स्पेशल काइंड ऑफ आपकी टेलीफोन लाइन है जो सिंपली आपको एक ही जगह प्रोवाइडेड है। और ये क्यों है, इसकी स्पीड क्यों स्लो हो जाती है, आपने देखा होगा कभी आपकी आपका तो यार स्पीड स्लो हो गई है इंटरनेट की, या फिर आपका तो डेटा फिनिश हो गया है, इतना डेटा नहीं मिला, अपलोडिंग करने में टाइम लगता है, डाउनलोडिंग करने में टाइम लगता है। वो किस वजह से, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे और भी जो यूजर्स हैं, या फिर और कॉलेजेस हैं, या और कॉर्पोरेट हैं, वो क्या है कनेक्टेड है। ब्रॉड से समझ जाइए, ब्रॉड या डायलअप मीन्स बहुत सारे आपस में जब कनेक्टेड होते हैं, और लीज लाइन मतलब सिंपल लाइन, सिंगल एक लाइन, और ब्रॉडबैंड मीन्स सो मेनी लाइन्स आर कनेक्टेड फ्रॉम दी वन कनेक्शन, दैट्स वाई द स्पीड ऑफ डायलअप कनेक्शन इज वेरी स्लो। बात करें हम दोनों के एप्लीकेशन मीन्स यूजेस की, तो देखिए दोनों को आप कमर्शियली भी यूज कर सकते हैं, अपने घरों हाउस में यूज कर सकते हैं, अपने क्या कहते हैं कॉलेजेस में यूज करते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज करते हैं, एवरीवेयर आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन सिर्फ डिफरेंस इसका है इसकी पोस्ट का और इसकी स्पीड का। जो आपकी लीज लाइन कनेक्शन है, पोस्ट हैवी होगी मीन्स ज्यादा होगी, और आपकी स्पीड क्या होगी, हाई होगी एज कम्पेयर टू द डायलअप कनेक्शन। सिर्फ इसीलिए क्योंकि यहाँ क्या होता है, एक के साथ ही आप कनेक्टेड हैं, और इसमें बहुत सारे जो यूजर्स हैं, या फिर बहुत सारे कॉलेजेस कॉर्पोरेट, वो आपस में क्या है कनेक्टेड हैं। और इसमें जो सर्विसेज होती है, किसी भी टाइम आपका सर्वर क्या हो सकता है, डाउन हो सकता है, क्लियर, मीन्स आपकी स्पीड कम हो जाएगी, या फिर बात करें आपके कनेक्शन कभी भी जैसे कहते हैं ना सिग्नल नहीं आ रहे हैं, वो लॉस्ट हो जाएगा। पर इन केस ऑफ लीज लाइन ऐसे इसमें कुछ नहीं होता, इसमें हमेशा सर्विसेज आपकी 24 आवर्स क्या रहेगी, अवेलेबल होगी। आप देख सकते हैं, ठीक है, मैंने नोटिस डाउन किया हुआ है थोड़ा सा समझाने के लिए, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसमें जो आपकी इंटरनेट सर्विसेज है वो पूरे क्या होती है, 24 आवर्स अवेलेबल होती है। तो यही था दोनों में डिफरेंसेस, यही आपके दो टाइप के डिफरेंस होते हैं, सॉरी दो टाइप के कनेक्शन होते हैं, डायलअप कनेक्शन और लीज लाइन कनेक्शन। अगर आपको तब भी इसमें कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपकी कोई एक्स्ट्रा क्वेरी है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालकर पूछ सकते हैं, या आपको एक्स्ट्रा अलग से कुछ पूछना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी, तो मेरी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। और आज के लिए इतना ही, गुड बाय।